जहां एक ओर पूरा देश सैनिकों के सम्मान में झुका हुआ है और हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है जब बात सेना के जवानों की आती है, लेकिन बदायूं जिले में घटी इस वारदात ने सर को झुकाने को मजबूर कर दिया है। साथ ही यह सवाल उठना लाजिम है कि क्या जवानों के लिए सम्मान महज दिखावा तो नहीं है। जालिम सिंह नाम का यह जवान छत्तीसगढ़ में CRPF की 195 बटालियन में तैनात है। यह होली के त्योहार पर ट्रेन से अपने घर आ रहे थे। ट्रेन जैसे ही करेंगी स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन के गेट पर खड़े एक लड़के ने उनकी पत्नी से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जवान ने जब लफंगे को समझाया तो उसने अपने अन्य साथियों को फोन कर बुला लिया और जवान के साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। जवान ने रेलवे पुलिस को भी जानकारी दी मगर कोई सहायता नहीं की गई। जवान की पत्नी का यह भी कहना है कि मारपीट कर रहे लड़कों ने उनके जेवर तक लूट लिए। जवान जब मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने वजीरगंज थाने की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बगरहन गया तो उसको वहां से यह कहकर टरका दिया गया कि मामला रेलवे पुलिस का है, इसकी रिपोर्ट चंदौसी के GRP पुलिस स्टेशन में होगी। आखिरकार जवान लहूलुहान अवस्था में ही चंदौसी पहुंचा तो वहां मारपीट की मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। साथ ही आरोपी रंजीत सिंह और उसके साथियों पर ACAT एक्ट की कार्यवाही भी की गई है। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ आपके साथ? हम लोग उधर हिमाचल एक्सप्रेस से आ रहे थे, मैं और मेरी पत्नी, तो हम लोग कहीं उतर रहे थे तो ये आगे थी, मैं पीछे था और बीच में एक लड़का था, तो बदतमीज कर रहा था। मैं बोला तू आगे निकल जा, बोलो आगे नहीं निकलो, फिर वो बकवास करने लगा। फिर इसी बात पर आगे बोलो रुको देखो चलो मैं दिखाता हूँ करेंगे। तो उसने कहा, फिर उसने फ़ोन कर दिया, 3-4 लड़के आ गए, उन्होंने डंडा लाठी को बेल्ट से फिर दोनों लोगों की कटाई की। तो आप किस में तैनात हैं? CRPF हेडपोस्ट जी। पुलिस यहाँ कुछ सुनना रही है तो आपने कोई शिकायत वगैरह की? यहाँ पर भी आया शिकायत करने के लिए, बोले GRPM करो, वहाँ पर दत्तोरी गया, वो बोले GRPM शिकायत करो, अरे हमारा मामला नहीं है जी। तो हम लोग अभी चंदौसी जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ आपके साथ? हम लोग ट्रेन में बरेली से आ रहे थे हॉस्पिटल से, तो हम लोग डाले पे उतरने के लिए खड़े थे करेंगी स्टेशन के लिए, तो हम लोगों ने बोला कि आप साइड हो जाओ, तो वो साइड में नहीं हटा। फिर वो मेरे पीछे खड़ा था वो लड़का, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और उसने मेरे साथ छीनछान भी की, मेरे जेवर भी छीन लिए उसने स्टेशन पे उतरते टाइम। जब इन लोगों ने कहा, इन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने कि हट जाओ साइड में, तो वो हटा नहीं। जैसे ही ट्रेन रुकी उसने इनको खींचा और उसने फ़ोन कर दिया था पहले से ही, तो 4-5 लड़कों ने इनकी पिटाई शुरू कर दी और मेरे को इनको दोनों को बहुत मारा बेल्टों से, और 2-3 लड़कों के हाथ में डंडे भी थे, दोनों को हमें बहुत मारा उन्होंने। कोई शिकायत वगैरह की? हम लोगों ने शिकायत दफ्तोरी भी की थी, वहाँ भी उन लोगों ने बोला GRPF से बताइए, और यहाँ भी ये कह रहे हैं कि GRPF वाले ही लिखेंगे, ये लोग रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। और 100 वाली को भी हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन वो लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। तो कौन लोग थे जिन्होंने इनके साथ में मार पिटाई की? ठाकुर हैं। करेंगी के ठाकुर हैं वो लड़के, लेकिन हम अभी ठीक तरह से जानते नहीं हैं उनको, तो हमें उनके बारे में कोई सूचना नहीं दे सकते कि कौन है। रंजीत नाम है। किसी को पहचाना भी? मैं उनको पहचान के बता सकती हूँ, मैंने उनका चेहरा देखा है, और मैंने एक लड़के को पकड़ा भी था लेकिन वो भाग गए सारे जैसे ही पिटाई की, तो हमारे जब साथ वाले आ गए तो वो चले गए, उन लोगों ने सुना नहीं, लेकिन हम मैं चेहरा पहचानती हूँ उन लोगों का। कोई शिकायत वगैरह की आपने? शिकायत तो करवा रहे हैं लेकिन यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, शिकायत करने के लिए ही आए हैं हम, तुरंत ही आ गए थे ट्रेन से उतर के, पर कोई सुन नहीं रहा है।